तो अगर आप मेरे कैमरे कंपैरिजन काफ़ी समय से देख रहे हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब ऐसे वीडियोस होते हैं तो मैं उसमें DSLR का यूज़ एकदम नहीं करता हूँ। फ्रंट और मतलब वीडियो के स्टार्ट और एंड मिडिल जितने भी जहाँ भी मुझे आपसे बात करनी है मैं प्रेफर करता हूँ आइदर फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा होना भी चाहिए, क्योंकि हम कैमरे का रिव्यू कर रहे हैं तो जितना हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस फ़ोन का कैमरा कैसा है जो हम कंपेयर कर रहे हैं। तो आज हमारे सामने रेडमी के कुछ कॉम्बिनेशन हैं, रेडमी नोट 6 प्रो, रेडमी नोट 7, नोट 7 प्रो और एक और आप फ़ोन देख रहे होंगे नोट 7 ग्लोबल। तो वो क्या है तो थोड़ा सा मैं इस पर हाईलाइट कर दूं। नोट 7 जैसे आप सभी जानते हैं पहले नोट सीरीज़ आपकी चाइना में लॉन्च होती है, तो नोट 7 जो ग्लोबल वेरिएंट है उसमें भी आपको एग्जैक्टली सिमिलर डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन है, बस प्रोसेसर उसमें स्नैपड्रैगन 660 है, लेकिन उसमें जो कैमरा सेंसर मिलता है वो 48 मेगापिक्सल का है, मेड बाय सैमसंग नॉट दी सोनी, जैसे कि आपको नोट 7 प्रो इंडिया मिलता है। दोनों में 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन है। आप प्रो में जाएंगे तो एक्चुअली ये 7 प्रो ब्रोकन है, डिस्प्ले फ्रंट कैमरा से काम नहीं कर रहा ढंग से, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। आप यहाँ पे प्रो में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है 48 मेगापिक्सल आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो हम सारे तरीके से सिचुएशंस कवर करने की कोशिश करते हैं, इंडोर आउटडोर सेल्फी पोर्ट्रेट स्पेशली इन द लो लाइट मैं दिखाने ज़्यादा कोशिश करता हूँ, वीडियोज़ भी टेस्ट करते हैं स्टेबलाइजेशन कि कैसा फ़ोन का कैमरा काम करता है। चलिए गए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन सभी फ़ोन के बीच कंपैरिजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है। कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, चार फ़ोन आपके सामने हैं, ऑर्डर आपको ऐसा ही मिलेगा। तो डिफरेंट तरीके सिचुएशंस में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले ब्राइट आउटडोर सिचुएशंस में जहाँ पे अच्छी लाइट होती है सभी फ़ोन परफेक्टली काम करने चाहिए, बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि कलर कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो रेडमी के फ़ोन्स हैं सभी में कलर देखिए ऑलमोस्ट परफेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारी जरा सा डिफरेंस है 19-20 का वो आप नेग्लिजिबल मानिए। कुछ और डिफरेंट कलर देखते हैं, येलो तो फिलहाल परफेक्ट था, ब्राइट रेड कलर का ये गुलाब है इसमें देखिए कैसे आता है। तो दो फ़ोन आप जरूर देखिएगा यहाँ पे, नोट 7 ग्लोबल वर्सेस वो, क्योंकि मुझे काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। तो फिलहाल चलिए यहाँ पे देखिए किसमें कलर परफेक्ट आता है। तो मैं पर्सनली बताऊँ मुझे नोट 6 प्रो का कलर ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है और नोट 7 का भी, नोट 7 प्रो थोड़ा सा पिंकिश हो गया है, इवेंचुअली फ़ोन इतना पिंक है नहीं, रेड कलर का फ्लावर था। ओके तो अब मैं कुछ आपको मैनिपुलेशन भी दिखाता हूँ, सेम ऑब्जेक्ट अगर आप पोर्ट्रेट में लेते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बैकग्राउंड ब्लर कैसा हो जाता है। तो वैसे ये फोन सभी फ़ोन्स रेडमी के परफेक्टली आपके पोर्ट्रेट काम करते हैं, ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है। सेल्फी पोर्ट्रेट हम आगे चेक करेंगे, फिलहाल रियर कैमरे से पोर्ट्रेट देखिए सभी में ठीक है, डिटेल्स प्रॉपरली ब्लोन आउट हैं जैसा होना चाहिए, एज डिटेक्शन भी ठीक है, मतलब स्मूथनिंग सही की गई है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाद में लेते हैं, तो आप वाइट कलर देखिए कैसे परफेक्ट आता है। यहाँ पे भी हम पोर्ट्रेट अगेन आगे देखेंगे कि पोर्ट्रेट कैसा काम करता है, वो जो आप देख सकते हैं पीछे एक स्टूल है उसको हम देखेंगे, ब्लर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये वाइट फ्लावर है, अभी तो फिलहाल सब में ठीक लग रहे हैं, लेकिन बीच में देखिए मैं जो मतलब कंप्यूटर एडिटर में आपके क्रॉप करके दिखा रहा हूँ किस में डिटेल्स परफेक्ट आ रहे हैं, तो सभी में ठीक है, ऐसा कोई मैं बहुत डिफरेंस नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इतना तो जूम करके कोई देखता भी नहीं होगा। चलिए पोर्ट्रेट देखिए यहाँ पर किसने परफेक्ट हो रहा है, तो ये मैंने टैप टू फोकस किया है क्योंकि ब्राइट सनलाइट में इम्पॉसिबल होता है, तो बस आपको टैप करना पड़ेगा, सिचुएशंस ब्लर हो जाती हैं ऐसे ही तब। सभी में ठीक है, नोट 6 प्रो 7 प्रो ग्लोबल इंडिया नोट 7 देखिए नोट 6 प्रो सभी ठीक है, नोट 7 में थोड़ा सा कम ब्लर दिख रहा है कंपेयर टू अदर फोन के। यहाँ पर सेंटर में आपको छोटी सी गुंबद दिख रही होगी, लखनऊ हाईकोर्ट है, उसको हम जूम करते हैं फिलहाल। तो पहले तो मैं आपको नॉर्मल दिखाऊंगा, अभी तक हम तो मैं आपको कंप्यूटर से क्रॉप करके कर रहा था, अब यहाँ पे आप जो जूम देखेंगे वो डिफ़ॉल्ट है सभी फ़ोन का, जो आप जूम करते हैं ए टेक्स 10x जो भी है। तो क्वालिटी देखिए किसने मेंटेन, अगर 48 मेगापिक्सल लें या डिफरेंट कम मेगापिक्सल लें तो कैसे होता है, तो मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा था। अब हम इंडोर में आ चुके हैं, लो लाइट थोड़ी सी होती है, एक दो ट्यूबलाइट जल रही है जो नॉर्मल होती है दरवाजे से लाइट जो रोशनी आती है वहाँ पे, देखिए मोस्टली सभी लोग ऐसे ही सेल्फीज लगाते हैं अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पे देखिए कैसा है, यहाँ पे सेल्फीज़ हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए तो सभी ठीक थे। अब सेम का पोर्ट्रेट देखिए, मैं आपको पोर्ट्रेट दिखाना ज़्यादा चाह रहा था, तो बैकग्राउंड में देखिए कुछ फ्लावर आपको दिखेंगे, गुलदस्ते का जो स्टैंड है वो सब हम देखते हैं किस में ब्लर होता है, और ये एलिफेंट के टॉयज़ में देखिए कैसे। तो पोर्ट्रेट अभी भी ठीक है, देखिए नोट 7 ग्लोबल में देखिए कलर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ब्लू दिखेगा, तो ये सैमसंग के सेंसर ऐसे ही होते हैं, थोड़े से वो ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर देते हैं, मतलब कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था। अगर आप रियर कैमरे से अपनी पोर्ट्रेट लेते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, कैसा आता है, ब्यूटिफिकेशन मोड है कि नहीं रियर से, अगर आप किसी की फ़ोटो लेते हैं अपने फ़ोन से, मे बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाइफ जो भी है, तो यहाँ पर आप देखिए ब्यूटी मोड अभी भी है, थोड़ी सी स्किन स्मूथिंग की गई है। यहाँ पे हम पोर्ट्रेट भी देखते हैं, सेम में देखिए नोट 7 प्रो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अब हो गया है डल, सैमसंग थोड़ा सा एक्सपोज कर दिया सैमसंग का सेंसर,
और ये नोट 7 नॉर्मल थोड़ा सा डल हो गया। देखिए नोट 7 में थोड़ा सा डल हो गया, जैसे लाइट कम होती है तो देखिए डार्कनेस ज़्यादा आने लगी है। ब्यूटिफिकेशन मोड सब में है, स्किन स्मूथनिंग सब में है, मतलब मैंने ऑफ कर रखा है फिर भी जो भी है पोर्ट्रेट सभी में प्रॉपरली है। नोट 6 प्रो में देखिए सबसे ज़्यादा ब्लर किया गया है। सेल्फी देखते हैं, यहाँ पे मैं एक फ़ोन नहीं दिखा रहा हूँ नोट 7 ग्लोबल, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि फ्रंट डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, ब्रोकन है मन, तो कैमरे से प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप चेक करिए। तो आई ऑनेस्टली गाइस नोट 6 प्रो मुझे अच्छा लग रहा है पोर्ट्रेट के लिए, क्योंकि डेडिकेटेड आपको उसमें मेगा से कैमरा मिलता है, अलग से लेंस जो करता है। वैसे पोर्ट्रेट सभी के ठीक हैं, ऐसा कोई बैड नहीं है, लेकिन सभी में ठीक है। कुछ हेयर स्मूथनिंग चेक करते हैं और वो सब चीज़ें। तो नोट 7 प्रो में यहाँ आपको बढ़िया डिटेल मिल रही है, जैसे आप देख सकते हैं कलर प्रॉपरली डार्क है और स्मूथनिंग की गई है प्रॉपरली, मतलब तो जैसा होना चाहिए। नाइट सीन पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ सभी फ़ोन फेल हो जाते हैं, तो आप बैकग्राउंड की लाइट्स जो होती हैं जैसे कि ट्यूब लाइट हो गई या रोड लाइट जली, वो भी नोटिस किया करिए, अच्छे सेंसर उसको प्रॉपरली कवर अप करते हैं। तो यहाँ देखिए नोट 7 प्रो जो है बेस्ट है। यहाँ पे देखिए जो आप ये देख सकते हैं ग्लो साइन पे मैं डिटेल दिखा रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, बेस्ट यहाँ पे है नोट 7। इसलिए मैं कहता हूँ अभी भी ये बेस्ट फ़ोन है लो लाइट के लिए, किसी फ़ोन से कंपेयर करें। लेकिन वो नाइट मोड में था, नोट 6 प्रो में नाइट मोड नहीं है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। बाकी तीनों फ़ोन में नाइट मोड है, 7 प्रो 7 और ग्लोबल नोट 7 में भी। तो अगेन यहाँ पर देखिए हम जूम इन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम जूम देखा, तो फिलहाल तो अभी मैं क्रॉप कर रहा हूँ, देखिए कैसे डिटेल्स आते हैं। तो नोट 7 प्रो अगेन यहाँ पे बेस्ट है, मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ तो देखिए नोट 7 ग्लोबल सैमसंग सेंसर में शार्पनेस बेटर, जैसे मैं यहाँ पे दिख रही है, पहले भी कुछ थी यहाँ भी है। सेल टावर बीच में है, इस पर फोकस देखिए, तो देखिए सडनली कितना सिचुएशन चेंज हो गया नोट 6 प्रो 7 प्रो में, जैसे एकदम कमाल हो गया, जैसे फोटो एकदम बेहतरीन आ गई अचानक। नोट 7 अगेन काफ़ी डल हो गया, तो लो लाइट के लिए रिकमेंडेड नहीं दिख रहा है। तो सेल टावर में आप देखेंगे नोट 7 जो ग्लोबल है उसमें बेटर है, डिटेल्स बहुत अच्छी दिख रही, शार्पनेस देखिए काफ़ी मेंटेन है। तो आई डोंट नो, सैमसंग सेंसर कहीं कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है सोनी के सेंसर से, जैसे आपने देखा भी। ओके गाइस, कंप्लीट टेस्ट हमने देख लिया है। लास्टली अब आप रियर वीडियो से भी देख लीजिए, इंडोर में नोट 7 ग्लोबल में कुछ इशू आ रही है, आई डोंट नो, विद स्टूडियो लाइट्स में थोड़ा सा उसमें यू नो ब्लर्स फोकसिंग में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि लाइट कम ज़्यादा हो रही है। तो मैंने कोशिश की एडजस्टमेंट करने की, अगर कुछ है तो मतलब सैमसंग के सेंसर में कुछ इशूज़ है। सबसे पहले नोट 6 प्रो वर्सेस नोट 7 प्रो में क्या कैमरे के लिए अपग्रेड है कि नहीं है, तो इससे पहले हमने परफॉर्मेंस में चेक किया था, स्पीड टेस्ट में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है। तो कैमरे के लिए डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट तो हैं, स्पेशली जैसे कि फोटोज़ की शार्पनेस अच्छी हो गई, कलर्स थोड़े अच्छे आ रहे हैं क्योंकि सेंसर काफ़ी एडवांस लगाया गया है। एक फील्ड में जैसे कि पोर्ट्रेट में मुझे अभी भी नोट 6 प्रो सम हाउ बेटर लगा है, मे बी आपका व्यू डिफरेंट होगा, जो मुझे लगा मैंने बता दिया। जैसे कि सेल्फी पोर्ट्रेट्स मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है नोट 6 प्रो का, क्योंकि मे बी डेडिकेटेड डेप्थ सेंसर है शायद इसलिए। और रियर पोर्ट्रेट भी ठीक लगा, बहुत ही डिफरेंस नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे नोटिस हुआ कि हाँ थोड़ा सा फ़र्क है। और अगर हम लो लाइट में जाते हैं तो नोट 7 प्रो में डेफिनेटली काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, विथ नाइट मोड का फीचर दिया गया है। नोट 6 प्रो में नाइट मोड नहीं है, विथ नाइट मोड आप डेफिनेटली सुपर एक्सेप्शनल शॉट ले सकते हैं नोट 7 प्रो में। तो कैमरे के लिए आप स्विच कर सकते हैं, वीडियो की बात है वही हम आगे बात करते हैं। अब नोट 7 वर्सेस नोट 7 प्रो में, तो यहाँ पर भी काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट है, क्योंकि सेंसर डिफरेंस है तो अगेन क्वालिटी तो बेटर होगी ही। लो लाइट में नोट 7 काफ़ी पुअर परफॉर्म कर रहा है, वीकेस्ट दिख रहा था इन चारों फ़ोन में। तो हाँ, अगर आप 7 या 7 प्रो में किसी में जाना चाहते हैं, कैमरा आपकी प्रायोरिटी है, तो मैं आपको नोट 7 प्रो ही रिकमेंड करूँगा। तो अब देखें नोट 7 ग्लोबल वर्सेस नोट 7 प्रो इंडियन में, दोनों सेम है, बस कैमरा डिफरेंस है एंड प्रोसेसर। तो सैमसंग का सेंसर मुझे मोस्टली वैसा ही लगा जैसा आपका सोनी का है। दोनों में प्रो मोड में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल टर्न ऑन करने का, दोनों ऑन करेंगे दोनों में आपको सेम रिजोल्यूशन की फ़ोटो मिलेगी, लगभग 8x6000 मेगापिक्सल की होती रिजोल्यूशन की। एक चीज़ में जैसे मैं कहूँ, जो मैंने पहले भी देखा है फ्लैगशिप फ़ोन्स में, जैसे कि सैमसंग के सेंसर यहाँ पे है नोट 7 ग्लोबल में और नोट 7 प्रो में, अगर आप लो लाइट में फ़ोटोज़ लेते हैं तो शार्पनेस मुझे सैमसंग के सेंसर में बेटर दिखी। बट अगर आप ये नोट 7 प्रो देखें जो सोनी सेंसर है, उसमें आपको थोड़ा सा स्मूथनिंग की जा रही है, जैसे कि आप लो लाइट में लेते हैं जो क्लाउड पर नॉइस होता है वो ज़्यादा आपको क्लीन दिख रहा है नोट 7 प्रो में। वैसे ही जैसे कि आप गूगल पिक्सल वर्सेस गैलेक्सी में कंपेयर करें, तो पिक्सल में आपको नेचुरल लुक दिया जाता है, जैसे कि नॉइज़ है तो नॉइज़ रहेगा। तो सैमसंग के सेंसर में नोट 7 ग्लोबल में शार्पनेस ज़्यादा है और नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा है, तो वो फोटो मुझे ज़्यादा नेचुरल दिख रही है कंपेयर टू नोट 7 प्रो के जो इंडिया में लॉन्च होता है हुआ है। दोनों मतलब ऐसा नहीं बहुत ह्यूज डिफरेंस है, थोड़ा आप जूम इन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, ये आपको लगेगा।
बाकी पोर्ट्रेट लगभग मुझे सेम दिखे और कुछ ह्यूज डिफरेंस नहीं लगा। तो वीडियो के लिए अगर जैसे नोट 6 प्रो देखें तो उसमें आप सिर्फ 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड के स्टेबलाइज वीडियो बना सकते हैं। नोट 7 में भी यही कहानी है, स्नैपड्रैगन 660 आपका सपोर्ट करता है 4K और 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड, लेकिन वो चीज़ वहाँ अभी भी नहीं दी गई है। शायद नोट 7 प्रो के लिए फ्यूचर एक्सक्लूसिव रखा गया है ताकि लोग 7 प्रो पर वीडियो के लिए स्विच करें, मे बी ऐसा कुछ मार्केटिंग रीज़न होगा, तो ये उसमें लिमिटेशन है। नोट 7 प्रो अगर हम दोनों देखें, इंडिया वर्सेस ग्लोबल नोट 7, दोनों में सेम फीचर है, वीडियोस ऑलमोस्ट लगभग सेम है। तो अगर आप वीडियो आपकी प्रायोरिटी है, अगर आप नोट 6 प्रो रखे हैं तो डेफिनेटली 7 प्रो पे जाना वर्थ है, क्योंकि 4K वीडियो बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के निकलते हैं अगर आप 4K में बनाते हैं, इसलिए ठीक है। नोट 7 वीडियो के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्वालिटी थोड़ी सी कम थी। वीडियोस में एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, आपने डेफिनेटली देखा होगा यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं कि ये बजट फ़ोन्स हैं तो ये प्रॉब्लम रहेगी, जैसे कि डायनेमिक रेंज सडनली आप कितनी क्विकली चेंज हो रही है, एकदम ब्राइट लो और पीछे का सन भी एकदम सही नहीं आ पा रहा है। तो ये फ्लैगशिप फोन्स में प्रॉब्लम होती है लेकिन बहुत कम होती है, इवन आईफोन में भी ये रहता है ट्रेंड, लेकिन बजट फोन्स में ये चीज़ एक्सट्रीम होती है। सो एनीवे गाइस, ये था आज का एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन। सॉरी थोड़ा सा लेट था क्योंकि आई जस्ट फॉरगॉट कि ये वीडियो मुझे बनाना था, तो मे बी अगर आपको ऐसा लगता है ऐसे कुछ टेस्ट जैसे मैं मिस कर जाता तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। तो एनीवे गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस टेस्ट को देखने का, उम्मीद करता हूँ आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा। मेरा नाम सौरभ है, नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।